पुढची एक ब्रेकिंग न्यूज आता आपण बघणार आहोत. न्यूज 18 लोकमतशी काशिफ खाननं संवाद साधलेला आहे. आपल्यावरचे सर्व आरोप खोटे आहेत. मी क्रूज पार्टीवर होतो, माझी देखील चौकशी झाली, माझ्याकडे काही सापडलं नाही म्हणून आपल्याला सोडलं गेलं. समीर वानखेडेंना मी ओळखत नाही आणि त्यांना मी कधी भेटलो देखील नाही, त्यांना फक्त TV वर पाहिलंय. मला चौकशीला बोलावलं तर मी चौकशीला यायला तयार आहे, असं काशिफ खान यांनी म्हटलेलं आहे. न्यूज 18 लोकमतशी काशिफ खाननं संवाद साधत आपल्यावरचे सगळे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलंय. मी क्रूज पार्टीवर होतो आणि माझी देखील चौकशी झाली, असं देखील काशिफ खाननं म्हटलंय. नवाब मलिक जी ने आपके ऊपर जो आरोप किए है कि आप पॉर्न फिल्म बनाते हैं, सेक्स रैकेट चलाते हैं, उसके बाद में आप ड्रग्स पार्टी अरेंज करवाते हैं, ये जो आरोप है, और आप एक बहुत बड़े ड्रग डीलर हो, आपको NCB ने अरेस्ट नहीं किया क्योंकि आप समीर वानखेड़े के दोस्त हो. ये बुनियाद बहुत ही गलत बात है. ना मैं कोई ऑर्गेनाइज करता हूँ कोई पार्टी, ना मैं कोई पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ, ना मेरे को मेरा कोई ड्रग्स के साथ दूर दूर तक लेना है. मुझे बड़े यकीन है कि ये कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है जो नवाब मलिक जी के इन्फॉर्मेंट्स ने दी होगी उनको, और ये कहीं ना कहीं आगे चल के ये बात स्थापित हो ही जाएगी. रहा बात समीर वानखेड़े जी का, मैं समीर वानखेड़े जी को दूर दूर तक नहीं जानता हूँ, ना मैं कभी उनसे बात की, ना उनसे कुछ वार्तालाप की. बिल्कुल ही गलत है कि वो मेरे दोस्त है या मेरे को जानने वाले या मेरे जानकार है. थैंक यू सो मच सर. सर एक वीक उनका उन्होंने ये बोला कि समीर वानखेड़े के आप रेगुलर टच में हो क्रूज पार्टी में. बिल्कुल गलत है. मैं समीर वानखेड़े जी को दूर दूर तक नहीं जानता, ना मैं उनको कभी मिला हूँ, ना बात किया हूँ, ना उनके आमने सामने भी आया हूँ कभी जिंदगी में. मैं कभी उनको नहीं जानता. जिस रात ये जो कार्रवाई हुई थी क्रूज पे, तो आप भी उस क्रूज पे थे? जी मैं उस दिन क्रूज पे गया था. मुझे बोला गया था कि क्रूज इज लीगल एंड इट विल सेल, तो आप प्लीज वेलकम. तो मैंने सोचा कि अगर क्रूज सेल करेगी तो इट्स लीगल एंड इट इज अप्रूव्ड एंड परमिटेड, और हम फिर वो क्रूज पे गए थे. क्या उस वक्त NCB के किसी भी ऑफिसर ने आपसे कॉन्टेक्ट किया था, आपकी इंक्वायरी की थी? जी मुझे पूछा गया था कि are you carrying anything? वो सबकी चेकिंग कर रहे थे वहाँ. वो they were doing everybody's checking. तो एक नॉर्मल चेकिंग थी और they were doing their job. मतलब आपकी चेकिंग हुई, NCB ने चेकिंग की, आपके पास कुछ मिला नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. और फिर जो नवाब मलिक जो आरोप कर रहे हैं, उसको उनका क्या क्या बुनियाद रहा होगा, क्योंकि आपको उन्होंने डायरेक्ट ड्रग. मुझे खुद हैरान परेशान हूँ कि ना मुझे वो जानते हैं, ना मैं समीर वानखेड़े को जानता हूँ, ना मैं दोनों को पहचानता नहीं हूँ. वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे लगता है कि ये केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन या गलत चीज का है. आई एम श्योर ही विल रियलाइज दैट वेरी सून बिकॉज एवरीथिंग इज फॉल्स दैट व्हाट ही हैज स्पोकन, एंड देयर इज नो बेस टू दिस. क्योंकि उन्होंने सर लास्ट क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली आपके ऊपर एलिगेशन करके बोला है कि आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, आपको जानबूझ के छोड़ा गया. बिल्कुल नहीं. किसी को क्यों अरेस्ट करेगा? सही आदमी को क्यों कोई अरेस्ट करेगा? और मुझे क्यों छोड़ा गया? मैं क्या अबाउट द लॉ हूँ? आई एम एन लॉ अबाइडिंग सिटीजन. मैं उस क्रूज पे कस्टमर और एक क्लाइंट की तरह गया था, अपने टिकट खरीदी, अपना खुद का पूरा FND पैसे देके क्रेडिट कार्ड से भरा हूँ, हर चीज का इनवॉइस रिसीट है मेरे पास. आपको चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ, आप दिखा दीजिए अपने न्यूज चैनल पे. प्लीज भेज दीजिए. सर एक लास्ट सवाल कि अगर आपको NCB या फिर मुंबई पुलिस या भी कोई भी एजेंसी आपको अप्रोच होगी कि आप I am ready to cooperate with them. I will come and be present wherever whoever is calling me at whatever time. Thank you so much. Thank you, sir. तर आपण पाहिलं काशिफ खान यांनी सगळे आरोप फेटाळून लावलेले आहेत. आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांनी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत केली काशिफ खान सोबत, आणि काशिफ खाननी आपल्यावर जे काही आरोप केले गेलेले आहेत ते सगळे आरोप खोटे आहेत.
निर्दोष आपण आहोत या सगळ्यामध्ये आपला काहीही हात नाही, आपण समीर वानखेडेंना ओळखत नाही, त्यांना कधी भेटलेलो देखील नाही असं म्हणत मलिकांनी जे आरोप केले त्या आरोपांमध्ये कोणतंही तथ्य नसल्याचं म्हटलंय. एका ब्रेकची वेळ झालीय, बघत रहा दुपारच्या बातम्या.